खबर शिवपुरी जिले की विधानसभा पोहरी से है। पोहरी विधानसभा क्षेत्र में आज जहां पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीएसपी प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा ने जनसंपर्क का बिगुल बजा दिया गया है, जहां लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी 18 ग्रामों का जोशीला जनसंपर्क किया गया, जिसमें 18 ग्रामों की सभी समाजों का अपार जनसमर्थन देखने को मिला। खास बात यह है कि बीएसपी प्रत्याशी द्वारा सभी समाजों को साथ लेकर जनसंपर्क किया जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का भरोसा जताया है कि मेरे द्वारा किए गए वादों पर मैं खरा उतरूंगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसपी प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है और ढोल नगाड़े बजाकर और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत करते हुए लोग अपने प्रत्याशी के समर्थन करने में लगे हुए हैं। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। स्वागत मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है एवं समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि भैया के क्षेत्र में नई पहचान के साथ में आए। हालांकि पहले इससे पहले जनपद अध्यक्ष थे पौरी में, और इससे उसके बाद में भैया का कार्यकाल भी अच्छा था, ना ही भ्रष्टाचारी थी, जो भी काम किए निस्वार्थ भाव से किए थे। लेकिन अब जो रुझान आ रहा है जनता के, जनता हमें बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सपोर्ट कर रही है, और इसके बाद में जिस गाँव में भैया जा रहे हैं उस गाँव में भैया का भव्य से स्वागत हो रहा है, और जो बड़ौद में स्वागत हुआ है वो आत्मीय स्वागत है, ऐसा स्वागत भैया का कहीं नहीं हुआ है जैसा बड़ौद में हुआ है। आज आपके द्वारा किस किस गांव का जनसंपर्क किया गया है? आज सुबह से कपराना, जामको, जिरी, नरैया खेड़ी, जिरी, माता का बिलोरा, खोदा, नरैया टेगाड़ा, मारोरा, जलवासा, बदरोनी, अभी रसेरा आप करेंगे। इसके बाद लगभग दो दर्जन ग्रामों का आपने जनसंपर्क किया गया, तो जनसंपर्क के द्वारा आपको क्या जनता के रुझान मिले? जनता का आप रुझान देख लीजिए, जनता का अभिभूत प्रेम मिल रहा है मुझे,